यूएई के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का यूएई कतर का 2 दिवसीय दौरा है। दौरे को लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा है, 2 दिन में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा, भारत के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएई दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। पीएम यूएई के दौरे पर अबुधाबी में जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में एहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारी की गई। संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम के बावजूद यहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अगर देखें तो हाल के दिनों में भारत और यूएई के रिश्तों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। पीएम बनने के बाद मोदी 7वीं बार यूएई के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2023 में भी द्विपक्षीय यात्रा पर यूएई पहुंचे थे। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में COP28 में भाग लेने के दौरान भी 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात गए थे। इस दौरान पीएम ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की थी। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितंबर 2023 में भारत आ चुके हैं और वो ऐतिहासिक पल काफी करीब है जब मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा बनाए गए इस मंदिर को बनाने में महंत स्वामी महाराज का बड़ा योगदान। 700 करोड़ की लागत से बना ये भव्य मंदिर BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज ने अहम भूमिका अदा की है। महंत स्वामी महाराज मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए कुछ दिन पहले ही अबुधाबी पहुंच चुके हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत के साथ साथ दूसरे देशों से भी काफी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसकी जानकारी मंदिर के मुख्य पुजारी ने खुद दी। हिंदू मंदिर अबुधाबी का लोकार्पण समारोह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है और इस महोत्सव का बहुत बड़ा एक उत्साह, आनंद, उमंग भक्तों में, श्रद्धालुओं में, हमारे भारतीयों में दिख रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महज 20 दिन के अंदर ही एक और बड़े मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में भारत से भी कई सेलिब्रिटीज उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए यूएई पहुंच गए हैं। सर्वधर्म समागम का एक